आप देख रहे हैं न्यूज टुडे ग्रुप। दबाएं सब्सक्राइब का बटन और पाएं देश प्रदेश की हर खबर अपने मोबाइल पर। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राजस्थान में चैत्र नवरात्रों की धूम चल रही है। माता के मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है, वहीं मंदिरों में विशेष आकर्षण से सजाया गया है। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों के देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ने के साथ साथ जगह जगह देवी मां की पूजा अर्चना की जाने लगी है। इस कड़ी में आज हम आपको दर्शन करवा रहे हैं जोबनेर की पहाड़ी में बसी मां ज्वाला माता के, जहां राजस्थान से ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों से भी मां के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं। मां ज्वाला के दर्शन करने के लिए रोजाना हजारों श्रद्धालु सवेरे से ही मंदिर पहुँचते हैं और मां की आराधना कर आशीर्वाद ले रहे हैं। श्रद्धालुओं ने ज्वाला माता के जयकारों से वातावरण को गुंजायमान बना दिया है। मंदिर के दर्शन करने को लेकर भक्तों का तांता लगा रहा। मेले को लेकर श्रद्धालुओं की चहल पहल सुबह से ही शुरू हो जाती है, तो वहीं महिलाएं ज्वाला माता के गीत गाती हुई एवं नाचती हुई नजर आती हैं। माता के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पैदल यात्रा भी लेकर नाचते आते हैं। माता के भक्तों ने नारियल प्रसाद चूरमा सहित कई प्रकार के भोग लगा रहे हैं। जोबनेर की पहाड़ी में बसे प्राचीन ज्वाला माता के मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। लोग नौकरी लगने से लेकर संतान प्राप्ति सहित अनेक प्रकार की मुरादें लेकर ज्वाला माता के पास आते हैं। यहाँ हर साल माता के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु दूर दराज से आते हैं। मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालु माता के दरबार में रात्रि जागरण व प्रसाद ही भी करते हैं। नवरात्रों में मंदिर समिति की ओर से हर साल मेले का आयोजन किया जाता है। कई सामाजिक संगठनों की ओर से मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ठंडे पानी, छाछ, लस्सी आदि की व्यवस्था निःशुल्क की जाती है। मेले में व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए पुलिस जाप्ता भी मुस्तैद रहता है।